दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रॉयल्टी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं। ए टू के माइन ऑन लीज फॉर 15 ईयर्स, मिनिमम रेंट पर ईयर इज ₹1000, शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ स्ट्राइक। इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, देन मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड बाई 60% इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक ओनली। फर्स्ट ईयर व्हेन मिनिमम रेंट इज टू बी पेड expires on 31st December 2008. Excess over royalty paid during first year was ₹300, of second year ₹400, and third year ₹200. In the fourth year, actual royalty amounted to ₹1700, and in the fifth year, ₹500. There was a strike in the fifth year. Royalty of sixth year amounted to ₹1000. Prepare landlord account and short working account in the books of A. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए टू के माइन ऑन लीज फॉर 15 ईयर्स। तो ए ने एक माइन जो है वो 15 साल के लिए लीज पे लिया। मिनिमम रेंट पर ईयर इज़ ₹1000 और मिनिमम रेंट जो है वो हर साल ₹1000 है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अगर होती है किसी भी ईयर में तो उसके नेक्स्ट 3 ईयर में जो एक्सेस वर्किंग होगी उससे आप उसका रिक्यूबमेंट कर पाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ स्ट्राइक इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, अगर स्ट्राइक होती है किसी भी ईयर में और उस समय मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अगर कम निकलती है, देन मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड बाई 60% इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक ओनली, यानी कि जिस ईयर में स्ट्राइक है उस ईयर में मिनिमम रेंट को 60% रिड्यूस कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर व्हेन मिनिमम रेंट इज़ टू बी पेड एक्सपायर्स ऑन 31st December 2008, यानी कि मिनिमम रेंट जो पेड करना था वो एक्सपायर हो गया 31st December 2008 को। एक्सेस ओवर रॉयल्टी पेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर वाज ₹300, ऑफ द सेकेंड ईयर ₹400, एंड ऑफ थर्ड ईयर ₹200। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट दिया हुआ है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में जो है ₹300, सेकंड ईयर में ₹400 और थर्ड ईयर में ₹200। इन द फोर्थ ईयर एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंटेड टू ₹1700, एंड इन द फिफ्थ ईयर ₹500। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 1700 निकला हुआ था फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में जो निकला था वो 500। देयर वॉज स्ट्राइक इन द फिफ्थ ईयर और पाँचवें साल में जो है स्ट्राइक हो गई थी, तो रॉयल्टी ऑफ सिक्स्थ ईयर अमाउंटेड टू ₹1000 और सिक्स्थ ईयर में जो रॉयल्टी अमाउंट निकली थी वो 1000 निकली थी। प्रिपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, यानी कि आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। किसके बुक में बनाना है? ए के बुक में, और ए कौन है? लिसी है, यानी कि लिसी के बुक में आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि एनालिटिकल टेबल बनाना है। तो एनालिटिकल टेबल जो हम लोग बनाएंगे वो लिसी के बुक में बनाएंगे। तो हम लोग पहले लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ लिसी, यानी कि ए जो है लिसी है, तो इन द बुक्स ऑफ ए लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एनालिटिकल टेबल। और जितने कॉलम हम लोग बनाते हैं बिल्कुल उतने ही कॉलम बनाना है, तो 10 कॉलम हम लोग बनाते हैं, आपको वही 10 कॉलम बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो मिनिमम रेंट वगैरह वो सब दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाइए, इसमें कहीं भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो भाई वो रहेगा ही, जैसा भी वो क्वेश्चन देना रहेगा उस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन देंगे ही, लेकिन अपने को क्या करना है, जो हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ईयर का कॉलम हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल ईयर का कॉलम बनाएंगे। सेकेंड जो होगा आउटपुट टन्स का कॉलम होगा। थर्ड कॉलम जो होगा वो एक्चुअल रॉयल्टीज़ की होगी। फोर्थ कॉलम जो होगा वो मिनिमम रेंट का होगा। फिफ्थ कॉलम जो होगा वो एक्सेस वर्किंग का होगा। और उसके बाद क्या है कि शॉर्ट वर्किंग्स में हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, उसके बाद उसके जो 4 कॉलम होंगे उसमें क्या होगा कि एक सफर्ड का होगा, सेकंड कॉलम जो होगा रिक्यूब्ड का होगा, और थर्ड कॉलम जो होगा अनरिक्यूब्ड का होगा, और फोर्थ कॉलम इसका जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड का होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉलम जो हम लोग बनाते हैं अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को जितना पेमेंट होता है उसका कॉलम हम लोग बनाते हैं। देखिए अब हम लोग फर्स्ट ईयर देखेंगे, तो फर्स्ट ईयर में ये देखिए कि क्वेश्चन में केवल दिया हुआ है शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, ठीक है,
और क्वेश्चन में मिनिमम रेंट दिए हुए हैं तो, और यहाँ पे क्या है कि ना एक्चुअल रॉयल्टी दिया हुआ है ना आउटपुट टर्म्स वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग दोनों का आप कंपेयर कर लीजिए। यानी कि देखिए, आपको ये पता है कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना और मिनिमम रेंट कितना है, तो आप आसानी से रॉयल्टीज अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 1000 में अगर आप 300 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 700 रुपीज़ जो निकलेगा वो एक्चुअल रॉयल्टीज अमाउंट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया हुआ, लेकिन बिना आउटपुट के रॉयल्टी निकलना संभव नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग आउटपुट टर्म्स वाला कॉलम तो ज़रूर ही बनाएं। और देखिए जितना एक्चुअल रॉयल्टी निकला हुआ है, बिल्कुल 1 रुपये के हिसाब से आप निकाल दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आउटपुट टर्न 700 टन आप कर लीजिए और उसका 1 रुपया के हिसाब से आप निकाल दीजिए। तो 700 टन जब है तो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी जो निकलेगी वो 700 रुपीज़ निकलेगी, और मिनिमम रेट दिया हुआ है। इस दोनों में आप अगर कंपेयर करेंगे 1000 और 700 में, तो 300 रुपीज़ का जो होगा वो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट निकलेगा। और क्या करना है कि कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम लोग, तो फर्स्ट ईयर में 300 रुपया जो है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। क्या शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है, 1000 रुपीज़ पेमेंट करना है। यानी कि मिनिमम रेंट जो है हर साल 1000 रुपया देना है। तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी क्या निकला है, 700, और देना कितना है, 1000 रुपीज़ देना है। तो देखिए 300 रुपीज़ जो है शॉर्ट वर्किंग यानी कि लेसी के लिए वो लॉस हो जाता है। उस साल क्या करना है भाई, उसको पेमेंट करना ही करना है। इसलिए 300 रुपीज़ जो लेसी जो देता है लेसर को एज एडवांस के रूप में देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड जो कॉलम है उसमें हम लोग 1000 रुपीज़ लिखेंगे फर्स्ट ईयर वाले में। अब हम लोग सेकेंड ईयर में देखेंगे। तो सेकेंड ईयर में ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, ठीक है, और मिनिमम रेंट दिया हुआ था। तो देखिए क्या है कि जब शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट दिया हुआ और मिनिमम रेंट दिया हुआ और आउटपुट नहीं निकला हुआ है और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट पता नहीं है आपको, तो क्या करना है कि मिनिमम रेंट में से आप 400 रुपीज़ घटा देंगे तो उसका एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो अमाउंट निकल जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आउटपुट हम लोग 1 रुपया माने हुए, इसलिए 600 रुपीज़ जो है आउटपुट हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो 600 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 600 का जो कैलकुलेशन आप करेंगे एक्चुअल रॉयल्टी निकालने के लिए, 1 रुपये के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो 600 रुपीज़ ही निकलेगा, ठीक है। तो मिनिमम रेंट और इस दोनों का जो मतलब कंपेयर हम लोग करते हैं तो 400 रुपीज़ हम लोग पाते हैं कि शॉर्ट वर्किंग हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट दिया हुआ है और मतलब कि एक्चुअल रॉयल्टी नहीं दिया हुआ था, तो एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकाल लिए हैं और उस हिसाब से फिर आउटपुट टन भी हम लोग निकाल लिए। देखिए बिना आउटपुट टन के एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट नहीं निकल सकता, इसलिए आउटपुट टन वाला कॉलम तो आप लोग ज़रूर ही बनाइए। अब देखिए यह है कि 400 रुपीज़ जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो सफर्ड वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड में कुछ नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड में जो होगा 700 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे। देखिए 300 रुपीज़ पहले का फर्स्ट ईयर वाला और 400 रुपीज़ सेकेंड ईयर वाला, तो दोनों को मिलाएंगे तो 700 रुपीज़ होगा। और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करना है वो 1000 ही करना है, तो इसलिए 1000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि भाई 1000 मिनिमम रेंट दिया हुआ है और आपका रॉयल्टी पेबल अमाउंट कितना है 600, और देना कितना है 1000 देना है, तो 400 आप शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट भी तो देंगे, इसलिए 1000 रुपीज़ हम लोग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर थर्ड ईयर में हम लोग देखेंगे। थर्ड ईयर में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शॉर्ट कर गया है 200 रुपीज़, बिल्कुल जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में निकाले हैं सेकंड ईयर में निकाले हैं, बिल्कुल थर्ड ईयर में भी वैसे ही निकालेंगे। तो 1000 में 200 रुपीज़ माइनस कर दीजिए तो 800 रुपीज़ एक्चुअल रॉयल्टी निकलेगी, और हम लोग 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं तो आउटपुट टन जो है हम लोग 800 मतलब कि टन ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 800 टन का 1 रुपये के हिसाब से आप निकालेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी जो निकलेगी वो 800 रुपीज़ ही निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी और आउटपुट टन वाले कॉलम में 800 लिखेंगे, और मिनिमम रेंट जो है 1000 है, और क्वेश्चन में दिया होता है 200 रुपीज़ जो है वो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट था, इसलिए यहाँ पे 200 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे। देखिए कहीं भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो बना देते हैं, लिख देते हैं इस तरह से, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप क्वेश्चन को देखते जाइए, आराम से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैरी फॉरवर्ड में कितना अमाउंट होगा, पहले 700 था यानी सेकंड ईयर में 700 था, तो इसमें 200 और ऐड हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है।
और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड वाले मतलब कि कॉलम में हम लोग जो लिखेंगे वो 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना है, इसलिए 1000 लिखेंगे। अब हम लोग फोर्थ ईयर देखेंगे, तो फोर्थ ईयर में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्चुअल रॉयल्टी जो अमाउंट है वो 1700 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट टन कितना माने हुए, एक रुपये के हिसाब से माने हुए, तो इसलिए 1700 टन यहाँ पे लिखेंगे। और मिनिमम रेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 रुपीज़ जो है मिनिमम रेंट है। तो यहाँ पे आप दोनों का जब कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का, तो आप पाएंगे कि 700 रुपीज़ जो है वो एक्सेस कर गया है, क्योंकि देखिए एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो ज़्यादा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं, एक्सेस वर्किंग का अमाउंट निकलता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 700 रुपीज़ जो है एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद देखिए कि क्या है कि सफर्ड वाले कॉलम में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक्सेस हुआ है, और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपको रिक्यूब्ड करने का मतलब ऑप्शन दिया हुआ था लेसर जो है लेसी को, नेक्स्ट 3 ईयर्स में, मतलब कि वो कहा हुआ, मतलब कि उसने कहा था कि आप जो है नेक्स्ट 3 ईयर में शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि फर्स्ट ईयर में 300 रुपीज़ जो है शॉर्ट कर गया, तो 300 रुपीज़ जब शॉर्ट कर गया तो उसका जो नेक्स्ट 3 ईयर होगा, यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कि इसका नेक्स्ट 3 ईयर जो होगा वो फोर्थ ईयर होगा, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में क्या है कि 300 रुपीज़ हम लोग आराम से रिकवर कर लेंगे। देखिए क्यों कर लेंगे, क्योंकि 700 रुपीज़ एक्सेस है, और 700 रुपीज़ आपके पास जब एक्सेस कर गया और आपको रिकवर कितना करना है, मात्र 300 रुपीज़ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 300 रुपीज़ जो है रिक्यूब वाले कॉलम में लिखेंगे, और इस तरह से 300 रुपीज़ जो पहले शॉर्ट किया था वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका एक्सेस कर गया 700, ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड 900 था ना, तो 900 में जब 700 आप माइनस करेंगे तो 200 रुपीज़ जो है वो कैरी फॉरवर्ड में बचेगा, और लैंडलॉर्ड का पेमेंट कितना होना है, 1000 रुपया होना है, तो 1000 रुपया हम पेमेंट कर देंगे। अब देखिए स्ट्राइक है फिफ्थ ईयर में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फिफ्थ ईयर में स्ट्राइक है। देखिए यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ इसलिए कि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है फिफ्थ ईयर में स्ट्राइक हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 500 रुपीज़ है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि जिस ईयर स्ट्राइक होता है उस ईयर क्या करना है, 60% मिनिमम रेंट को कम कर देना है। तो देखिए 60% जब मिनिमम रेंट को कम करना है तो यहाँ पे आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है, 1000 रुपीज़ है मिनिमम रेंट, ठीक है, 1000 का आप 60% करेंगे, यानी कि इंटू 1000 इंटू 60/100 करेंगे, तो जो अमाउंट निकलेगा यानी कि 600 रुपीज़ निकला, ठीक है, तो 1000 में आप 600 माइनस करेंगे तो मिनिमम रेंट यहाँ पे निकलेगा 400 रुपीज़, तो मिनिमम रेंट वाले कॉलम में हम लोग 400 रुपीज़ लिखेंगे। मिनिमम रेंट का जो अमाउंट 400 निकला है और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट जो 500 है, तो इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि देखिए 500 में अगर आप 400 माइनस करते हैं तो वो 100 रुपीज़ निकलेगा, लेकिन 100 रुपीज़ क्या निकलेगा, सफर्ड वाले में लिखेंगे या एक्सेस। देखिए क्या है कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा और मिनिमम रेंट का कम है, जहाँ भी एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा होता है उस समय क्या होता है, एक्सेस वर्किंग की स्थिति आती है, ठीक है, तो हम लोग एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में 100 रुपीज़ लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट 3 ईयर में आप मतलब रिकवर कर सकते हैं, जब सेकेंड ईयर की बारी आती है तो सेकेंड ईयर का नेक्स्ट 3 ईयर कौन सा होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, यानी कि फिफ्थ ईयर में आप जो 400 रुपीज़ है उसका आप रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग के पास जो एक्सेस वर्किंग का अमाउंट निकला था वो 700 निकला था, और फिफ्थ ईयर में निकला है 100, टोटल हमारे पास कितना है 800, ठीक है, 800 एक्सेस वर्किंग, 800 में हमने 300 रुपीज़ क्या किया, मतलब कि रिक्यूब कर लिया है, ठीक है, 300 रुपया हम लोग रिक्यूब कर चुके हैं, तो 300 में हमारा कितना बचा, 500 रुपया, ठीक है, यानी कि 800 में आप 300 माइनस करेंगे तो 500 रुपया जब बचा, तो 500 में फिर हमको रिक्यूब कितना करना है, 400 रुपीज़, तो 400 रुपीज़ हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। जब 400 रुपीज़ हम कर लेंगे तो हमारे पास एक्सेस वर्किंग अमाउंट कितना बचेगा, 100 रुपीज़ बचेगा, ठीक है। और देखिए जब यहाँ पे आपका
कैरी फॉरवर्ड में 200 रुपीज़ था और एक्सेस किया है 100, तो 200 में जब हम 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना बचेगा, 100 रुपीज़ बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में 100 लिखेंगे। और देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में यहाँ पे 1000 नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे 1000 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1000 नहीं हुआ क्योंकि देखिए 400 रुपीज़ मिनिमम रेंट निकला था, इसलिए हम लोग पेमेंट कितना करेंगे 400 रुपीज़ ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए ईयर सिक्स्थ ईयर में हम लोग देखेंगे आउटपुट जो है, हम लोग मतलब कि मैंने आपको बताया था कि आउटपुट यहाँ पे कैसे लिखना है, आउटपुट टन्स यानी 1000 टन लिखेंगे और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट जो है दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो एक्चुअल रॉयल्टी 1000 और मिनिमम रेंट का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1000 मिनिमम रेंट है और एक्चुअल रॉयल्टी 1000 है, तो इसमें क्या है, ना एक्सेस किया है ना शॉर्ट किया है। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना था, 700 प्लस 100 यानी 800 रुपीज़। ठीक है, 800 में आपने कितना रिक्यूब कर लिया है, 300 प्लस 400 यानी आपने किया है 700। देखिए अब क्या करना है कि हमको रिक्यूब कितना करना है, 200 रुपीज़ का और रिक्यूब करना है। ठीक है, और हमारे पास एक्सेस कितना है, 800 है, 800 में हमने कितना रिक्यूब कर लिया है, 700, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 और रिक्यूब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 200 का जब रिक्यूब करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन मतलब होगा, वहाँ यहाँ भी यही हम लोग करेंगे, जैसे कि 400 का जब हमको रिक्यूब करना था तो हम लोग 3/4/5 ईयर में किए थे, इसी तरह 200 का जब हम लोग रिक्यूब करेंगे तो 4/5/6। ठीक है, नेक्स्ट थ्री ईयर की बात जब होती है तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, यानी कि थ्री ईयर में क्या है कि शॉर्ट किया है, तो 4/5/6 यानी 6th ईयर में हम लोग इसका रिक्यूब करेंगे, तो 100 रुपीज़ जो है हम लोग यहाँ पे रिक्यूब करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेस 100 रुपीज़ ही बचा हुआ था, और 100 रुपीज़ कहाँ जाएगा, अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड क्या होगा, 1000 रुपीज़ ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा एडजस्टमेंट हो गया है, यहाँ पे ना शॉर्ट किया है ना एक्सेस किया है, इसलिए यहाँ जो पेमेंट होगा वो 1000 रुपीज़ ही होगा। तो इस तरह से आपका एनालिटिकल टेबल कम्प्लीट होता है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको बनाना है लैंडलॉर्ड्स अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, लेसी है, और लेसी के बुक में हम लोग लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो लिखेंगे लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ठीक है, और जैसे आप लोग बनाते आए हैं लेजर, बिल्कुल वैसा ही कॉलम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम बना लीजिए और बाएं तरफ डेबिट और दाहिने तरफ क्रेडिट जरूर लिखिएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे, तो देखिए जब भी आप लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर बनाते हैं या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाते हैं, अपने पास एनालिटिकल टेबल आप जरूर रखिए। ठीक है, तो देखिए एनालिटिकल टेबल आप अपने पास रखिए और फर्स्ट ईयर में ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टीज अमाउंट कितनी है और मिनिमम रेंट कितना पेड हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट कितना किया है, तो देखिएगा आप मिनिमम रेंट जो पेमेंट हुआ है वो 1000 पेमेंट हुआ है और सफर्ड किया था 300 रुपीज़, यानी शॉर्ट वर्किंग जो है वो 300 रुपीज़ है और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट जो निकला है यानी रॉयल्टी पेबल जिसको हम लोग कहते हैं वो 700 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जब आप लेजर बनाते हैं तो देखिए सिंपल एक सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ कि जैसे रॉयल्टी का अमाउंट निकलता है, ठीक है, तो बाय रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग होता है तो बाय शॉर्ट वर्किंग करते हैं, मतलब ये एक सिंपल मेथड है, और पेमेंट होता है तो टू बैंक करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है, मतलब कि आपको रटने वाली बात अगर होती है तो ये इस तरह से आप रट सकते हैं कि भाई जब मतलब कि शॉर्ट वर्किंग होगा और रॉयल्टी का अमाउंट निकलेगा तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग करेंगे और पेमेंट होगा तो टू बैंक कर देंगे लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में। लेकिन अगर आपको समझना है, समझ के बनाना है, तो आपको ये देखना है कि हम किसका लेजर बना रहे हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का जब लेजर बना रहे हैं तो आप सबसे पहले तो जर्नल एंट्री में जाएंगे। जर्नल एंट्री में ये देखना है कि देखिए लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं, ड्यू करने की एंट्री करते हैं, यानी लैंडलॉर्ड्स को ड्यू करने की जब एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, रॉयल्टी को डेबिट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करते हैं, टू लैंडलॉर्ड करते हैं। तो जनरल एंट्री में जब टू लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, और जब हम लैंडलॉर्ड का लेजर बनाते हैं तो जब लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनता है और ये आप देखिए कि जनरल एंट्री में क्या लिखा हुआ है, रॉयल्टी डेबिट में है और शॉर्ट वर्किंग डेबिट में है, तो कुछ नहीं करना है, जो डेबिट में था उसको आप क्रेडिट में कर दीजिए।
उसको उठा के सीधे क्रेट में डाल दीजिए। तो बाय रॉयल्टी 700 और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था 300, उस दोनों का अमाउंट आप लिख दीजिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर करके। और उसके बाद सेकेंड एंट्री हम लोग क्या किए थे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखिए जनरल एंट्री में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, बस कुछ नहीं करना। जब लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो उसको डेबिट साइड कर दीजिए, जब क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दीजिए। मतलब कि एक जनरल एंट्री से जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जनरल एंट्री से हम लोग लेजर मतलब कि बनाते हैं, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे वहाँ 31 दिसंबर को, तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डेबिट में 1000 होगा और क्रेडिट में 1000 होगा, इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का काम हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे, तो सेकेंड ईयर में फिर आप एनालिटिकल टेबल में देखिए, एनालिटिकल टेबल में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट निकला है वो 600 है और सफर्ड किया है यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो है 400 है, ठीक है। और लैंडलॉर्ड का पेमेंट कितना हुआ है, 1000 हुआ है। बस सिंपल है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने किया बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, बिल्कुल उसी तरह कर दीजिए। कितना अमाउंट रॉयल्टी का है, 600 है, तो 600 लिख दीजिए 31 दिसंबर को, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 31 दिसंबर को वो खाता क्लोज करती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 31 दिसंबर लिखेंगे। बाय शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे कितना अमाउंट निकला, तो 400, इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1000 होगा। और यही 1000 जो है पेमेंट करना है किसको, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 31 दिसंबर को टू बैंक लिखेंगे 1000 रुपीज़, तो 1000 डेबिट हो जाएगा और 1000 क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड ईयर में देखेंगे, तो देखिए थर्ड ईयर में भी बिल्कुल सेम कंडीशन वैसा ही है, बिल्कुल जैसा फर्स्ट ईयर में था सेकंड ईयर में था, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे भी क्या है, देखिए एनालिटिकल टेबल अपने पास जरूर रखिए और उसी से आप बनाएंगे, ठीक है। रॉयल्टी का अमाउंट 800 और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट 200 और लैंडलॉर्ड का पेमेंट कितना है, 1000 हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह कीजिए, 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टी 800 बाय शॉर्ट वर्किंग 200 रुपीज़, 1000 आपका डेबिट होगा और टू बैंक कर दीजिए 31 दिसंबर को, 1000 क्रेडिट होगा। इस तरह से आपका 1000 डेबिट होगा और 1000 क्रेडिट होगा। तो इस तरह से थर्ड ईयर का आपका लेजर कंप्लीट होता है। देखिए अब हम लोग फोर्थ ईयर का लेजर बनाएंगे। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का जब लेजर हम लोग बनाते हैं, तो फोर्थ ईयर में जब हम लोग लेजर बना रहे हैं, तो फोर्थ ईयर का जब एनालिटिकल टेबल आप देखेंगे, तो एनालिटिकल टेबल में ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि शॉर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस कर गया है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर शॉर्ट कर रहा था तो हम लोग बहुत सिंपल कर रहे थे, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग कर रहे थे और टू बैंक कर दे रहे थे, और यहाँ पे कैसे करेंगे सर, यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं बोलूँगा भैया कि कन्फ्यूज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप लिखते थे बाय शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग लिख दीजिए। कितना क्या है एक्सेस, 700 ना, 700 रुपीज़ आप लिख दीजिए टू शॉर्ट वर्किंग 31 दिसंबर को, ठीक है। और रॉयल्टी का अमाउंट क्योंकि वो पेबल होता है, तो बाय रॉयल्टी एज इट इज़ जैसा हम लोग लिखते थे वैसा ही लिखेंगे, बाय रॉयल्टी 31 दिसंबर को 1700 निकला है ना, 1700 हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट आप देख लीजिए कि फोर्थ ईयर में कितना पेमेंट हुआ है। तो देखिए एनालिटिकल टेबल में आप देखेंगे तो 1000 पाएंगे कि 1000 जो है लैंडलॉर्ड को पेमेंट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो 31 दिसंबर को लिखेंगे टू बैंक 1000। अब यहाँ पे देख लीजिए डेबिट साइड 1700 और क्रेडिट साइड 1700, इस तरह से आपका फोर्थ ईयर का कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिफ्थ ईयर में देखेंगे, तो फिफ्थ ईयर में देखिए एनालिटिकल टेबल अपने पास रखिए। देखिए फिफ्थ ईयर में क्या है कि मैंने लिखा था यहाँ पे स्ट्राइक है ना, तो फिफ्थ ईयर में स्ट्राइक है, ठीक है। तो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कितना निकला था, 500 रुपीज़, और मिनिमम रेंट मतलब कि कितना पेमेंट हुआ है, 400 रुपीज़, ठीक है। और एक्सेस कितना किया, 100 रुपीज़। तो ये आप लोग एनालिटिकल टेबल देखेंगे तभी आपका जो मतलब कि लेजर आप बनाएंगे तो वो आपका सही बनेगा। तो देखिए क्या है कि जैसे हम लोग फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग का जो है मतलब एक्सेस वर्किंग का जो हम लोग एंट्री किया है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, टू शॉर्ट वर्किंग 100 करेंगे, और मतलब कि पेमेंट हुआ है मतलब कि रेंट का जो पेमेंट हुआ है 400, तो टू बैंक 400 करेंगे। और रॉयल्टी का कितना निकला था, बाय रॉयल्टी करेंगे 500। तो इस तरह से आपका डेबिट में 500 होगा और क्रेडिट में 500 होगा। तो ये फिफ्थ ईयर तो मतलब इस तरह से सिंपल कंप्लीट होता है। फिर हम लोग सिक्स्थ ईयर देखेंगे, तो सिक्स्थ ईयर में आप देख लीजिए कि
एनालिटिकल टेबल में ये देखे कि कितना मतलब कि मिनिमम रेंट पेमेंट हुआ था और कितना शॉर्ट वर्किंग निकला था, कितना क्या हुआ था। तो आप देखेंगे कि उसमें ना एक्सेस वर्किंग था ना शॉर्ट वर्किंग था, कोई कुछ नहीं था, पहले का जो एडजस्टमेंट था वो हो चुका था इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो सिंपल आप क्या कर दीजिए कि जितना रॉयल्टी निकला उसका पेमेंट कर दीजिए, बाय रॉयल्टी कर दीजिए 1000 और पेमेंट हुआ है टू बैंक कर दीजिए 1000 डेबिट हुआ 1000 क्रेडिट। इस तरह से आपका जो है लेनोवो अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है सिक्स्थ ईयर तक। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाओ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट तो हम लोग बना लिए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग से अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जब लेजर हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, एनालिटिकल टेबल तो अपने पास सबसे पहले रख लो यार, एनालिटिकल टेबल अपने पास रख लिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि सिर्फ हमको करना क्या है, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट देखना है, ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड देखना है कि उस ईयर कितना शॉर्ट किया था और कितना कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है। जब हम शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट देखते हो तो बिल्कुल ओनली शॉर्ट वर्किंग पे फोकस करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट कर गया था 300 रुपीज़ और कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ था 300 रुपीज़, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल एक मेथड है कि अगर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाते तो 2 लैंडलॉर्ड करेंगे, ठीक है, 300 मतलब जितना शॉर्ट किया था 300 रुपीज़ डेबिट करेंगे और बाय बैलेंस 300 मतलब क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी 300 और टू लैंडलॉर्ड, फिर मतलब कि शॉर्ट किया था 2 लैंडलॉर्ड कर देंगे और बाय बैलेंस सीडी कर देंगे जितना अमाउंट है। देखिए ये एक शॉर्ट तरीका मतलब कि एक रटने वाला तरीका होता है, जब समझने की बारी आती है तो समझने वाला तरीका में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या दिया हुआ था कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग फर्स्ट एंट्री जो ड्यू करने की एंट्री करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अगर जब हम लोग इस दोनों की अलग अलग एंट्री करते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं। जब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होता है और टू लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका लेजर बना रहे हैं, बना रहे हैं शॉर्ट वर्किंग का, ठीक है, और लैंडलॉर्ड कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। तो बस सिंपल है, यहाँ पे डेबिट कर दीजिए, टू लैंडलॉर्ड कर दीजिए और यहाँ पे आप ये देखिए कितना अमाउंट निकला हुआ था, 300 निकला हुआ था, 300 डेबिट में डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि कैरी फॉरवर्ड में देखिए बाय बैलेंस सीडी कितना करना है, बाय बैलेंस 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 300 रुपीज़, आपका 300 डेबिट हुआ 300 क्रेडिट हुआ। अब यही जो बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन ले आते हैं, यानी सेकेंड ईयर में हमारा जो है बैलेंस बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 300 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में ये देखिए एनालिटिकल टेबल में कि कितना अमाउंट मतलब शॉर्ट किया था, देखिए 400 रुपीज़ आप पाएंगे, यह 400 रुपीज़ जो है शॉर्ट कर गया था, सिंपल है, टू लैंडलॉर्ड 400 रुपीज़ कर देंगे। तो उसके बाद क्या करना है, 400 प्लस 300 हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड में आप देखेंगे एनालिटिकल टेबल में कि 700 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो बाय बैलेंस 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी कर देंगे 700 रुपीज़ यहाँ डेबिट हो जाएगा, 700 क्रेडिट हो जाएगा। देखिए बाय बैलेंस सीडी हम लोग जब 700 करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वही कैरी डाउन जो होता है वो ब्रॉड डाउन हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में क्या होता है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि शॉर्ट वर्किंग का ओपनिंग बैलेंस 700 रुपीज़ है। अब देखिए थर्ड ईयर की बारी आती है तो थर्ड ईयर में भी हम लोग देखेंगे सेम कंडीशन वही हो रहा है जो मतलब कि फर्स्ट सेकंड में हुआ है। तो यहाँ भी शॉर्ट कर गया 200 रुपीज़, टू लैंडलॉर्ड 200 रुपीज़ लिख दीजिए और उसके बाद 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 900 रुपीज़ लिख दीजिए, ठीक है। मतलब कि 700 पहले का था और 200 अभी का, तो 200 और 700 कितना हो गया 900। तो इस दोनों को जब हम लोग करेंगे डेबिट में 900 और क्रेडिट में 900 करेंगे। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, टू बैलेंस बीडी फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन ले आएंगे तो 900 रुपीज़ जो है बीडी कर देंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट एंट्री हो जा रही है ना, मतलब कि क्या हो रहा है, पहले शॉर्ट कर रहा था अब एक्सेस हो रहा है। भैया जब लैंडलॉर्ड तुम जब शॉर्ट कर रहा तो लैंडलॉर्ड तुम मतलब कि डेबिट कर रहा था, अब एक्सेस कर गया तो बाय लैंडलॉर्ड कर दो, कितना का एक्सेस कर गया 700 बाय लैंडलॉर्ड मतलब 700 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 900 हम डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में भी 900 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड में कितना अमाउंट आएगा, देखिए एनालिटिकल टेबल में आप जरूर मिला लीजिएगा तब आपका अकाउंट मतलब पूरा टैली कर जाएगा। तो आप जब मिलाएंगे तो देखेंगे 200 रुपीज़ जो है आपका मतलब कैरी फॉरवर्ड में एनालिटिकल टेबल में दिखा रहा है, तो वही 200 रुपीज़ यहाँ भी आएगा, यानी कि आप 900 में जब 700 माइनस करेंगे 200 रुपीज़ जो है वो बैलेंस रेडी होगा। अब ये नेक्स्ट ईयर यानी कि फिफ्थ ईयर में जो है टू बैलेंस बीडी 200 रुपीज़। अब देखिए कि फिफ्थ ईयर में क्या हुआ था, एक्सेस किया था, कुछ नहीं करना है,
31 दिसंबर को बाय लेने 100 रुपीज़ कर देंगे। उसके बाद ये देखिए कि फिफ्थ ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड का जो कॉलम में अमाउंट हम लोग लिखे थे, यानी एनालिटिकल टेबल में कैरी फॉरवर्ड वाला जो कॉलम है उसमें फिफ्थ ईयर में क्या अमाउंट था, 100 था, कुछ नहीं करना है। बाय बैलेंस शीट 100 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। 200 डेबिट होगा, 200 क्रेडिट हो जाएगा और बाय बैलेंस शीट 100, और यही जो है सीडी वो बीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिक्स ईयर में टू बैलेंस बीडी होगा। 100 रुपीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए एनालिटिकल टेबल, यानी सिक्स ईयर में क्या हुआ था। तो सिक्स ईयर में ये हुआ था कि जो रिक्यूब नहीं हो पाया था वो अनरिक्यूब्ड ट्रांसफर टू कहाँ चला गया था, प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 रुपीज़। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जब अनरिक्यूब्ड होता है तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। लेसी के लिए तो भाई लॉस है, तो लॉस है तो क्या वो एंट्री करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसलिए जब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट साइड में है ना, और शॉर्ट वर्किंग का हम लोग लेजर बना रहे हैं, सिंपल है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में कर दो, 100 रुपया क्रेडिट हो गया और 100 रुपीज़ जो है वो डेबिट हो गया। इस तरह से आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। बिल्कुल आपको कहीं भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, क्वेश्चन देखिए और जैसा मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसा ही बनाते रहिए, आप आराम से मतलब कि बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।